hello everyone in today's video we will study chapter 11 from our book uh, our past third and chapter name is the making of the national movement 1870s to 1947 and in this chapter today we will study a new topic of the march

सो इन नाइनटीन हंड्रेड हंड्रेड थर्टी गांधी जी डिक्लेयर दैट ही वुड ब्रेक द सॉल्ट लॉ एकडिंग टू दिस लॉ दर्मेंट हैड अ मोनोपोली ऑन द मैनुफैक्चर एंड सेल ऑफ सॉल्ट दिस मीन दैट नो वन सेल नो वन एल्स कूड मैन्युफैक्चर सॉल्ट जो पूर्ण स्वराज का जो नारा था गांधी जी ने कहा कि अपने आप यह आने वाला नहीं था इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था सो so, नाइनटीन में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का सरकार का एकाधिकार था और महात्मा गांधी मतलब इसका एकाधिकार का मतलब था कि कोई भी नमक को ना तो खरीद सकता था ना ही बना सकता था गांधी जी डिक्लेयर इट इट अस सिंफुल टैक्स बिकॉज इट वाज़ नॉट राइट टू इम्पोज सच अ लॉ ऑन एन इसल फूड आइटम और महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है गांधी जी एंड हिज फॉलोवर्स मार्श ओवर टू हंड्रेड फोर्टी मील्स साबरमती टू दांडी वेअर दे ब्रोक द सॉल्ट लॉ बाय प्रोड्यूसिंग इट फ्रॉम द सी वाटर और नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच जो मतभेद पैदा नहीं होने दिया था तो गांधी जी और उनके अनुयायियों ने साबरमती से 240 सौ किलोमीटर दूर स्थित दांडी तक पैदल चल गए और उन्होंने वहाँ पे तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया पीस एंड ट्राइबल्स एंड वुमेन पार्टिसिपेटेड इन दिस सत्याग्रह इन लार्ज नंबर्स अजनेस फेडरेशन ऑल्सो पब्लिश द सॉल्ट इश्यू पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग पीसफुली अगेंस्ट द सॉल्ट लॉ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू स्टॉप दिस बाई टेकिंग खास एक्शन अगेंस्ट और इस आंदोलन में किसानों आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट किया और नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया पर हज़ारों का और हजारों आंदोलनकारियों को जेल में भी डाल दिया गया द स्ट्रगल आल्सो अब्रॉट सम बेनिफिट्स लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ नाइन्टीन हंड्रेड थर्टी फाइव दिस एक्ट प्रिप प्रिस्क्राइब्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड द गवर्नमेंट अनाउंसड अनाउंसड इलेक्शंस टू द प्रोवेंशियल लेजिसलेचर इन नाइनटीन हंड्रेड थर्टी सेवन द कांग्रेस कांग्रेस इज फॉर्म्ड गवर्नमेंट्स इन सेवन आउट ऑफ द इलेवन प्रोवेंसेस भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार नाइन्टीन uh, हंड्रेड थर्टी फाइव के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एक्ट में प्रांतीय स्वायत्ता का प्रावधान किया गया सरकार ने ऐलान किया कि नाइन्टीन हंड्रेड थर्टी सेवन में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे और इस चुनाव के परिणाम आने पर ग्यारह में से सेवन जो प्रोविंसेस हैं उसमें सर कांग्रेस की सरकार बनी इन सेप्टेम्बर नाइन्टीन हंड्रेड थर्टी नाइन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रॉक अस द कांग्रेस लीडर्स वर अगेंस्ट हिटलर दे वॉन्टेड टू सपोर्ट दे वॉन्टेड टू सपोर्ट british war effort but in return wanted independence when british refused to do so the congress ministers re resigned in protest or प्रांति स्तर पर दो साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार का युद्ध छिड़ गया और हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे इसके बदले वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए अंग्रेज़ों को यह बात अच्छी नहीं लगी और अंग्रेज़ों ने यह बात को मानी भी नहीं और लेकिन कांग्रेसी सरकारों ने इसका विरोध किया और इस्तीफा दे दिया Next, we will study in this chapter topic about Quiet India and later means Bharat chhodo or. uske baad. Mahatma Gandhi started a new movement in the middle of the Second World War. He wanted Britishers to quiet India. For this, he asked the Indians to start a movement with non-violence. His slogan was Do or Die. People joined the mass struggle by giving up their studies also communications and symbols of state authority were attacked many leaders were put into jails the government tried to suppress it which resulted in over 90000 arrests and over 101000 killings in police firing by the end of the year 1943 in many areas orders were given of firing from airplanes however the struggle brought the british raj to its knees bharat chodo aur uske baad mahatma gandhi ne jo second world war हुआ उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फ़ौरन भारत को छोड़ दें और गांधी जी ने भारतीयों से आह्वान किया कि अंग्रे वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेज़ों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें और गांधी और अन्य नेताओं इस संघर्ष के कारण यह हुआ कि गांधी और अन्य जो नेताएं थे उन सबको फ़ौरन जेल में डाल दिया गया और किसान और युवा इस आंदोलन इसके बावजूद जो था उनको जेल में डाल दिया गया इसके बावजूद जो आंदोलन था वो बहुत ज़्यादा फैलता गया आ, किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए और विद्यार्थी जो थे स्टूडेंट्स जो थे अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े और देश भर में संचार और राजसत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए और बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया सबसे पहले अंग्रेज़ों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया और 1943 के अंत तक नब्बे हज़ार से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए और लगभग एक हज़ार लोग जो थे वो पुलिस की गोली से मारे गए बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज़ों से गोलियाँ बरसाने का आदेश दिया गया और पर आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने अपने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया सच स्ट्रगल्स लेड टू द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया विच आल्सो फेस्ड पार्टीशन ऑफ द कंट्री लेटर ऑन टॉपिक इज़ टू इंडिपेंडेंस एंड पार्टिसिपेशन स्वतंत्रता और विभाजन की ओर In 1940, the Muslim League moved a resolution demanding an independent state for Muslims in the northwestern and eastern areas of the country. The resolution had not mentioned partition or a se separate country called Pakistan. From the late 1930s, the League began weaving a separate nation for Muslims. दिस माइट बी ड्यू टू द ड्यू टू द इंटेंसेंस ऑफ टेंशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम इन द नाइनटीन ट्वेंटीज एंड नाइनटीन थर्टीज उन्नीस सौ चालीस में जो स्वतंत्रता और विभाजन की ओर जो टॉपिक है इसमें यह बताया गया कि नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर भाग जो थे आ, पश्चिमोत्तर भाग जो थे और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया और इस प्रस्ताव में प्रस्ताव यह था कि विभाजन या पाकिस्तान इस ये जो प्रस्ताव था इसमें कोई किसी भी तरीके से विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था मुस्लिम लीग ने जो सब कॉन्टिनेंट है वहाँ के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की थी ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जब उन्होंने कहीं भी विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया था तो लेकिन नाइनटीन हंड्रेड थर्टी के दशक के आखिरी सालों में मुस्लिम लीग मुस्लिम सालों से लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी और इस विचार तक पहुंचने में बीस और तीस के दशक तक हिंदू और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच हुए तनावों का भी हाथ रहा होगा इवेन द प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ नाइन्टीन हंड्रेड थर्टी सेवन हैड कौन कॉन्विक्टेड द लीग दैट मुस्लिम वर मुस्लिम्स वर अ माइनॉरिटी एंड दे वुड ऑलवेज बी ट्रीटेड सेकेंडरी इन द डेमोक्रेसी द कांग्रेस रिजेक्शन ऑफ फॉर्मिंग अ ज्वाइंट कांग्रेस लीग गवर्नमेंट इन द यूनाइटेड प्रोविंस इन नाइनटीन हंड्रेड थर्टी सेवन ऑल्सो एनॉइड द लीग 1937 थर्टी के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण रहा हो इन चुनावों में मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिलाया दिला दिया गया था कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा भू, गौण गौण भूमिका निभानी पड़ेगी मीन्स वो सेकंड हमेशा रहेंगे लीग को यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही न मिल पाए इसलिए नाइनटीन हंड्रेड थर्टी सेवन में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी बट कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को इस प्रपोजल को रिजेक्ट एक्सेप्ट नहीं किया और इस जिससे फासला जो था और भी ज़्यादा बढ़ता गया As Congress failed to mobilize the Muslim mass in the 1930s, it allowed the League to widen its social support. So during the imprisonment of many Congress leaders in early 1940s, the League started enlarging its support at the end of the war in 1930. वार इन नाइनटीन हंड्रेड फोर्टी फाइव द ब्रिटिश नेगोटिएटेड विथ कांग्रेस एंड द लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया द टॉक फेल्ट अस द लीग शो इट्सैल्फ अस द ओनली स्पोक्स पर्सन ऑफ इंडिया मुस्लिम्स तीस के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबत्त करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद दी चालीस के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज्यादातर नेता जेल में थे उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किया और नाइन्टीन हंड्रेड में फाइव में विश्वयुद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेज़ों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी यह जो डिस्कशन चला यह जो बात चली वह असफल रही क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उनके साथ थे When elections to the province were again held in 1946, the performance of Congresses was very good in the general constituencies. But the League again an amazing success in the seats reserved for Muslims. It started demanding a separate nation or Pakistan. In March 1946, the British cabinet sent a three member mission.

प्रा प्रांतीय चुनाव हुए सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा पर मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही और मार्च में 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए तीन सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे अब देश का विभाजन अवसंभावी था आफ्टर द फेलियर ऑफ कैबिनेट मिशन मुस्लिम लीग अनाउंसेंट 16 अगस्त 1946 फोर्टी सिक्स अस्ट डायरेक्ट एक्शन डे ऑन दिस डे र्रैक्स ब्रोकआउट रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल बाई मार्च नाइनटीन फोर्टी सेवन वायलें स्प्रेड टू वायरियस पार्ट ऑफ नॉर्दन इंडिया थाउजेंड्स फर किल्ड एंड न्यूमरस वुमेन हैड टू फेस अंटोल्ड ब्रोटेलिटीज ड्यूरिंग द पार्टीशन कैबिनेट मिशन की इस जो फेल होने पर विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए एक जन आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया और उसने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे जिसे प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कहा जाता है मनाने का आह्वान किया और इस दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे जो कई दिनों तक चलता रहा और इन दंगों में हजारों लोग मारे गए और मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई कई लाख लोग मारे गए बहुत सारी असंख्यों महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा पीपल वर फोर्स टू लीव देयर होम्स एंड वर नाव नॉन अस रिफ्यूज इन अ नॉन लैंड आफ्टर पार्टीसन न्यू कंट्री वॉज फॉर्म नॉन अस पाकिस्तान इंडिया वॉज चेंज्ड इवन मैनी ऑफ द सिटीज वर चेंज कई ला करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा अपने मूल स्थान से बिछड़कर ये लोग रातों रात, रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई उनके शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ सो वी कैन से दैट द जॉय विथ इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री ब्रॉड टू अस वॉज कम्बाइंड विद द सैरो ऑफ सरो ऑफ पार्टीशन ऑफ़ आवर कंट्री इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह जो आनंद है विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया सो वीबस टुडे Uh, we completed uh, our chapter eleven, and I hope that you have understood well what was thought in today's um, in all chapter. Thank you for watching.